तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आज हम मुख्यतः पढ़ेंगे कि कौन से पद वाला किसे शपथ दिलवाता है और इस्तीफा देता है, या इस्तीफा किसे दे सकता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। फिर तो दूसरा है, राष्ट्रपति किसको इस्तीफा दे सकता है? तो राष्ट्रपति जो इस्तीफा उपराष्ट्रपति को ही दे सकता है, किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलवाता है। मतलब जिस राज्य का न्याय हाईकोर्ट होगा उसका मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। फिर प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलवाई नहीं, उनकी शपथ नहीं होती। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देता है, यानी इस्तीफा किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है अपना। फिर आते हम अगले क्वेश्चन की ओर, राज्यपाल किसे अपना इस्तीफा देता है? तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। किसे? राष्ट्रपति को। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। फिर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? जो प्रधानमंत्री है वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। फिर लोकसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र या इस्तीफा देता है? तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे सकता है। फिर है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता जो है वो भारत के संविधान के भाग दो में है। फिर है, संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है? तो जो संविधान संशोधन है संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में है। तो एक बार रिवीजन मार लेते, क्योंकि रिवीजन मारने से याद जल्दी हो जाता है। तो एक फटाफट क्विक रिवीजन। तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है, राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होती है, और नागरिकता संविधान के भाग दो से लिया गया है, और संविधान संशोधन भाग 20 और अनुच्छेद 368 में वर्णित है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।